घुइया को देख के नाक भौं सिकोड़ने वाले बहुत मिल जाते हैं। घुइया जिसे अरबी भी कहते हैं, पर मैंने इसे चैलेंज के तौर पे लेके और इससे ऐसी रेसिपी बनाई कि इससे नाक भौं सिकोड़ने वाले मांग मांग कर खाए और ये रेसिपी 110% सक्सेस हुई। और इस रेसिपी का इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि मैंने इसे बिना टमाटर, बिना प्याज, बिना अदरक लहसुन के बनाया है। तो आप इसे अगर लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो भी एंजॉय कर सकते हैं। तो रेसिपी पे आगे बढ़ूँ इससे पहले वही आपसे पुराना रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे वीडियो देखें, और अगर आपने किया हुआ तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो इसके लिए मैंने 1/2 kg अरबी ले ली थी, जिसे घुइया भी कहते हैं, उसे नमक के साथ बॉईल कर लिया था। तो मैंने 2 सीटी लगाई थी तो ये गल गए थे। तो ध्यान रखें इसे ओवर कुक ना करें, बस हल्का सा ये गल जाए बस वहीं तक हमें करना है, क्योंकि आगे इसे हमें फ्राई करना है। तो इसे हम इस तरह से गोल गोल स्लाइस, इसकी थोड़ी मोटी मोटी सी स्लाइस कर लिए हैं मैंने। तो आप चाहे जिस शेप में काटना हो आप काट सकते हैं, आप चाहे तो इसे इस तरह से लंबाई में रख के भी काट सकते हैं, पर मैंने इस तरह से सारे ही गोल गोल इस तरह से इसके क्वाइन की तरह से इस तरह से निकाल दिए हैं। तो यहाँ पे सारे ही काट के मैंने तैयार कर लिए हैं। ये देखें कुछ इतना मोटा मैंने रखा है, बहुत पतला ना करें क्योंकि फ्राई करने में वो टूट जाएंगे अगर थोड़े भी ज़्यादा गल गए होंगे तो। और अभी चलते हैं, कढ़ाई में मैंने तेल डाला है और तेल गर्म होने पे ये मेथी, अजवाइन और हींग, ये तीनों चीज़ें इसमें बहुत अच्छा टेस्ट और अरोमा देती हैं। इसकी खुशबू इसमें बहुत अच्छी आती है और टेस्ट तो बहुत अच्छा हो जाता है इससे। तो यहाँ पे मैंने तेल थोड़ा ज़्यादा ही रखा है, इसमें 2-3 हरी मिर्ची कटी हुई डाली, तो टेस्ट के हिसाब से डालें। और यहाँ पे मैंने ये आमचूर पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये गरम मसाला, ये लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला और ये कश्मीरी मिर्च पाउडर है। तो यहाँ पे मसाले थोड़े अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लें। तो यहाँ पे गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया है क्योंकि मसाले सूखे हैं, ये जल सकते हैं। तो गैस को बंद करने के बाद मसाले डाले और 2 से 3 सेकंड चलाने के बाद मैंने ये कटी और उबली अरबी डाल दी और इसे अच्छी तरह से चला लिया। और अभी गैस की फ्लेम को ऑन कर लेते हैं और इसे चलाते हुए इस तरह से भून लेते हैं थोड़ा। तो फ्लेम को अभी थोड़ा सा मीडियम, लो टू मीडियम ही रखें क्योंकि मसाले ड्राई हैं तो जल सकते हैं। और इस तरह से देखिए एक के ऊपर एक ना रहें, सारे अरबी को इस तरह से फैला दें कढ़ाई में और चलाते रहें। तो अभी कुछ चीज़ें इसको क्रिस्पी बनाने के लिए कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे हम। तो ये है, नमक डाल दिया मैंने टेस्ट के हिसाब से, और ये है बेसन। तो बेसन मैंने 2 बड़े चम्मच डाले हैं, और ये चावल का आटा तो उसे भी 2 बड़े चम्मच मैंने डाला और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और यहाँ पे अब हमें थोड़ा सा फ्लेम को मीडियम कर लेना है क्योंकि ये जो बेसन और ये चावल का आटा गया है तो इसे भून लेना है। तो ये देखें कलर ये चेंज हो गया है, इस तरह से मीडियम फ्लेम पे ही आप रखें, हाई फ्लेम ना करें। ये देखें और सारे मसाले और चावल और बेसन जो है इस पर कोट कर लिया है पीस पे। तो ये सब्जी की तरह आप बनाएंगे लेकिन घर वाले स्नैक्स की तरह खा लेंगे क्योंकि ये होता ही इतना टेस्टी है। और मैंने कटी हुई महीन हरी धनिए की पत्ती डाल दी ऊपर से, और ये देख सकते हैं आप काफ़ी ड्राई ड्राई सा हो गया है। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है बिल्कुल। इसके ऊपर नींबू डाल के आप चाट की तरह से भी आप इसे खा सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। तो तैयार है हमारा बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा यमी ये अरबी फ्राई या घुइया फ्राई। इसे ट्राई ज़रूर करिएगा, सीज़न चल रहा है, इसमें अरबी घुइया खूब मिल रही है, तो फिर इसको एक बार ट्राई करना बनता है। और देखिएगा जो घर में नहीं भी खाते होंगे वो मांग मांग के खाएंगे इसे। तो इसे आप बनाइए, खाइए, खिलाइए और देखते रहिए ग्लोबल देसी रसोई विद शालिनी। तो फिर मिलते हैं आपसे नई रेसिपी के साथ। बाय।